बरेली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की सामाजिक परिवर्तन यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह के नेतृत्व में आज बरेली पहुंची। सामाजिक परिवर्तन यात्रा का फतेहगंज, टिसुआ, फरीदपुर, नरियावल सहित जगह जगह स्वागत किया गया। इसी दौरान प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव, प्रदेश अध्यक्ष सुंदर लाल लोधी, प्रदेश उपाध्यक्ष फरहत खान, प्रदेश महासचिव अभिषेक सिंह आशु ने नरियावल में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सत्ता में आने पर 300 यूनिट बिजली फ्री के साथ ही जनहित की दर्जनों योजनाओं की घोषणा भी की। सभा समापन के बाद सामाजिक परिवर्तन यात्रा के साथ राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं ने बरेली में रात्रि विश्राम किया। रात्रि विश्राम के उपरांत आज शहर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का जगह जगह स्वागत किया गया। इन्हीं स्वागत कार्यक्रमों में 125 कैंट विधानसभा की प्रत्याशी नईमा बानो कुरैशी ने भी चौकी चौराहा पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के स्वागत की ऐतिहासिक तैयारियां की थी, परंतु सामाजिक परिवर्तन यात्रा के साथ चल रहे गाड़ियों के काफिले के कारण चौकी चौराहा पर जाम की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कैंट प्रत्याशी नईमा बानो से दिल्ली रोड पर स्वागत करने को कहा। अपने नेता के आदेश का पालन करते हुए कैंट प्रत्याशी नईमा बानो कुरैशी अपने समर्थकों की भीड़ के साथ सामाजिक परिवर्तन यात्रा के काफिले में अपनी गाड़ियों के काफिले को लेकर दिल्ली रोड पर साथ में चली और बरेली से 40 किलोमीटर दूर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कैंट प्रत्याशी नईमा बानो ने मीरगंज पहुंचकर समाजवादी प्रगतिशील पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का 50 किलो की बड़ी फूल माला पहनाकर ऐतिहासिक स्वागत किया। यूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का फतेहगंज से लेकर बरेली तक जगह जगह स्वागत किया गया, परंतु कैंट प्रत्याशी नईमा बानो द्वारा किया गया स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का जनपद बरेली में ऐतिहासिक स्वागत कहा जाएगा। आपको बताते चले, नईमा बानो कैंट विधानसभा क्षेत्र की एक ऐसी प्रत्याशी है जो पिछले एक वर्ष से लगातार घर घर संपर्क कर प्रसपा की पहचान बनाने का कार्य कर रही है। कैंट प्रत्याशी नईमा बानो कुरैशी जनसंपर्क के मामले में सभी प्रत्याशियों पर भारी पड़ रही है। महिला मतदाताओं में अपने मधुर व्यापार के कारण बाजी के नाम से प्रसिद्ध कैंट प्रत्याशी नईमा बानो ने सबसे पहले महिला मतदाताओं में अपनी पैठ बनाकर विरोधियों में बेचैनी पैदा कर दी। पिछले एक वर्ष से जनसंपर्क अभियान चलाकर जो कार्य कर रही है उसके कारण विरोधी तो दहशत में है ही, परंतु पार्टी के कुछ लोगों की आंख का कांटा भी बन चुकी है। यही कारण है कि चौकी चौराहा पर कैंट प्रत्याशी नईमा बानो कुरैशी के स्वागत कार्यक्रम में विरोधियों ने व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया और स्वागत कार्यक्रम स्थल पर जाम लगने का हवाला देकर वहां स्वागत नहीं होने दिया, परंतु राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव कैंट प्रत्याशी की व्यवस्थाओं को देखकर उनको आगे कर स्वागत करने को कहकर बरेली से दिल्ली रोड पर मीरगंज में कैंट प्रत्याशी से स्वागत करवाकर उनका उत्साहवर्धन कर मीरगंज में किए गए कैंट प्रत्याशी द्वारा स्वागत से गदगद राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को यह कहना पड़ा कि आप अलग प्रोग्राम लगवाएं, हम आपके कार्यक्रम में अवश्य आएंगे। इससे जहां कैंट प्रत्याशी नईमा बानो कुरैशी का हौसला बढ़ा होगा, वहीं विरोधियों के हौसले जरूर पस्त हुए होंगे। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट।